हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एंड फीचर्स में अपना पार्ट नंबर 6 बना रहे हैं, जिसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, अदर इक्विटी स्कीम से। तो यहाँ से हमें आज का अपना जो लेक्चर है, जो अपनी वीडियो है, उसे स्टार्ट करना है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसमें हमने सेक्टोरल फंड्स तक एग्जांपल के साथ पूरा पढ़ लिया था। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सारी देख लिया, आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता था, मैंने आपसे कह रखी है कि आप मेरे से डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने जितने भी डाउट्स हैं। तो बस प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करते रहना। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक है सबसे पहले अदर इक्विटी स्कीम्स। तो अब इक्विटी स्कीम्स में यहाँ पे कौन कौन सी अदर टाइप हैं वो हमें दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है, आर्बिट्रेज फंड। सो दीज इन्वेस्ट सिमल्टेनियसली इन द कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट्स एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्राइस डिफरेंशियल ऑफ अ स्टॉक इन द केस एंड इन द कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट बाय टेकिंग अपोजिट पोजीशन इन द टू मार्केट, फॉर एग्जांपल कैश एंड स्टॉक फ्यूचर्स। यानी कि आर्बिट्रेज फंड क्या होता है कि हम ये क्या करते हैं, या तो हम कैश और डेरिवेटिव मार्केट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो जगह पे ना प्राइस का डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बेसिस पे आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, एक साड़ी आपने कहाँ से खरीदी, एक साड़ी आपने गुजरात से खरीदी और वो थी आपकी समझो 2000 रुपये की। और सेम साड़ी, सेम पीस आपने कहाँ से खरीदा, मुंबई में खरीदा और वो वहाँ पे 5000 की है। तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे ना कि पहले महंगा सामान खरीद लोगे फिर सस्ते में जाके बेचोगे। आप क्या करोगे, सेम पीस साड़ीज के क्या करोगे, गुजरात से उठा लोगे 2000 के और उन्हें जाके मुंबई में बेच दोगे। तो आपने क्या किया, आपने 2000 रुपये में उठाया और 5000 में बेचा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैश में था डिफरेंशिएशन था, यहाँ ये चीज़ 2000 की है और यहाँ पे सेम चीज़ क्या है, 5000 की है। तो यहाँ पे जो ये हमारा प्राइस डिफरेंशियल है ना, देखो यहाँ पे मैं यही बोल रखा है कि आर्बिट्रेज फंड में क्या होता है, हमारा प्राइस में डिफरेंस होता है। यानी कि दो जगहों पर क्या होता है, प्राइस का अगर डिफरेंस होता है तो हम उसे आर्बिट्रेज फंड बोलते हैं। अब ये तो हो गया कैश वाला कि यहाँ पे पैसे में क्या था, डिफरेंट था। अब डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो ये उसी के ऊपर है कि अगर आज हम क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड और फ्यूचर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आपसे कोई भी एक प्रोडक्ट आज की इस तारीख में, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 3 महीने बाद मैं आपसे प्रोडक्ट क्या लूँगा, इस प्राइस में ले लूँगा। भले ही फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना, कोई भी आपने जो गुड सेल्स में जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टी शर्ट्स बनाई हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जिसमें कि आज से 3 महीने बाद ये टी शर्ट मैं आपसे 300 रुपये में ले लूँगा, भले ही ये टी शर्ट तीन महीने बाद 200 रुपये की हो जाए, अगर इसके प्राइस कम होंगे तब भी मैं इसे 300 में लूँगा, भले ही इसके प्राइस ज़्यादा हो तब भी मैं इसे 300 में ही लूँगा। तो फ्यूचर, जैसे स्टॉक फ्यूचर दे रखा है ना, तो स्टॉक फ्यूचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी है वो दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इतने टाइम के बाद अगर मैं आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट देता हूँ तो वह फिक्स्ड प्राइस में दूंगा। अगर जैसे ये 300 रुपये की टी शर्ट का प्राइस अगर कम होकर 3 महीने बाद 200 रुपये हो जाए तो जो खरीदेगा उसे तो नुकसान होगा, क्योंकि 200 रुपये की चीज़ को वो 300 में खरीद रहा है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए वो 300 में खरीद रहा है, लेकिन जो बेच रहा है उसे यहाँ पे क्या है, 100 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर सोचो इन फ्यूचर 3 महीने बाद ये 300 की टी शर्ट 500 की हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो जो खरीदेगा उसे यहाँ पे बेनिफिट होगा पर जो बेचेगा वो उसे यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए उन्हें ये फुलफिल करना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेज क्या होता है, जब प्राइस में दो चीज़ों की प्राइस में क्या होता है डिफरेंस होता है तो उसे हम आर्बिट्रेज फंड बोलते हैं। ये कैश और डेरिवेटिव मार्केट्स में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। आगे दिया है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड क्या होता है, कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, जैसे कि कंपनीज की होती है ना, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि दीज फंड कैन थियोरेटिकली हैव अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो टुडे एंड अ लार्ज कैप पोर्टफोलियो टुमोरो। द फंड मैनेजर हैज़ टोटल फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक फ्रॉम एनी सेक्टर। यानी कि मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है ना, वो किसी भी कंपनी के कैपिटल में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पास पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी कंपनी के स्टॉक में, किसी भी सेक्टर की कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वो लार्ज कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो या फिर
मीडियम कैप कंपनियों की, मल्टी कैप में, यहाँ पे देखो मल्टी कैप, मल्टी यानी कि बहुत सारे कैपिटल, कैपिटलाइजेशन बहुत सारे कैप, तो यानी कि आप अलग अलग कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में क्या करते हो, जब इन्वेस्ट करते हो तो वो होता है हमारा मल्टी कैप फंड। तो ये यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो हमें थर्ड दिया है क्वांट फंड, तो क्वांट फंड क्या होता है, तो देखो इन केस ऑफ दीज फंड क्वांटिटेटिव मॉडल्स आर यूज फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स बेस्ड ऑन कंपनी साइज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी। तो क्वांट फंड क्या होता है, क्वांट फंड कुछ ऐसे फंड होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। क्वांट फंड हमारे कुछ इस टाइप के फंड होते हैं जिसमें कि जो फंड मैनेजर है वो क्या देखता है, जो क्वांट फंड जो लोग हैंडल करते हैं वो लोग ये देखता है कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, फिर चाहे वो 6 महीने में ग्रो करे या 1 साल में ग्रो करे, तो वो जो भी कंपनी उन्हें ऐसे लगते हैं ना कि इस कंपनी का साइज बेटर है या फिर ये फाइनेंशियली अच्छी परफॉर्म करने वाली है कंपनी, तो वो उसी कंपनी में जाके अपने स्टॉक इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो क्वांट फंड में अगर सोचो फॉर एग्जांपल कि आईटीसी कंपनी अभी कुछ टाइम में अच्छा करने वाली है, तो वो क्या करेंगे, आईटीसी के स्टॉक खरीद लेंगे। लेकिन उन्हें अगर ऐसा लगता है कि एनटीपीसी अभी अच्छा नहीं करेगी, कोई और कंपनी जैसे कि एनटीपीसी अच्छा ना करेगी बट जो टाटा मोटर्स है वो अच्छा करेगी, तो वो टाटा एनटीपीसी में से अपने शेयर्स को निकाल लेंगे और क्या करेंगे, टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्वांट फंड ऐसे ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करने वाली है उनके हिसाब से, मतलब वो पूरा देख लेते हैं ना कि कौन सी कंपनी अब ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म करने वाली है, तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो देखो एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्वांट फंड, द एसआईडी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो एसआईडी की फुल फॉर्म होती है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी स्कीम है उसके इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि स्कीम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वाले डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफाई द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडल्स फॉर एस्पेक्ट लाइक स्टॉक प्राइस। अब देखो जो क्वांट फंड है उन्हें हम क्वांटिटेटिव मॉडल्स या फिर क्वांटिटेटिव फंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो कि एक्स वाई जेड एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो क्या कर रही है, जिसने अभी क्वांट फंड को लॉन्च किया है, तो अब क्वांट फंड जो है वो किसी बेसिस पे ही तो इन्वेस्ट करती होगी ना। अब उसके इन्वेस्ट करने का बेसिस क्या है, पहला है स्टॉक प्राइस, पैरामीटर बेस्ड ऑन पीरियोडिकल मूविंग एवरेज ऑफ प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो भी कंपनी अच्छे से ग्रो करती है या फिर जो भी कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली होती है उसके स्टॉक प्राइस क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो क्वांट फंड क्या करते हैं, पहले तो पूरी तरह से तहकीकात करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करने वाली है इन फ्यूचर, तो वो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्टॉक प्राइस चेक करेंगे, है ना, स्टॉक प्राइस देखेंगे कि उसका जो प्राइस है वो किस तरह से मूव कर रहा है और उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है, कि वो कंपनी इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म करने वाली है। और जो हमारा सेकंड फैक्टर है जिस पे क्वांट फंड डिपेंड करता है वो हमारा नेक्स्ट मैच है, तो हम अपना नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी दे रखा है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा था क्वांट फंड में क्या होता है, क्वांट फंड में हम बस इतना चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो क्या है, वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, वो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दे, तो हम ऐसी कंपनीज के बारे में ढूंढते हैं। तो हमने पहले देख लिया कि उसका स्टॉक प्राइस क्या है, स्टॉक प्राइस देखने के बाद हम उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली किस तरह से परफॉर्म कर रही है और किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में क्या आता है, बेस्ड ऑन की इंडिकेटर्स सच एज EPS, PE, PAT, EBIT, मार्जिन्स, हिस्टोरिकल एंड फोरकास्टेड। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, PE यानी कि PE रेशो, PAT पैट, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप इसे छोड़ दो, ये भी क्या होता है, ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियली कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है वो हम चेकआउट करते हैं, बट अभी ये आपने नहीं पढ़ा है तो इसलिए ज़्यादा मगजमारी मत करो, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिया है, EPS यानी कि वो तो हमें पता ही है अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर से कितनी कमाई हो रही है, PE रेशो में पता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, सॉरी प्राइस टू अर्निंग शेयर, है ना। और EBDIT का मतलब क्या होता है, EBDIT का मतलब होता है, अगर इसकी पूरी एक फुल फॉर्म है, ये EBIT को हम बोलते हैं, मतलब EBIT हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी एक फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, सॉरी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो ये हमारी EBDIT की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, ये हमें फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं किसी भी एक कंपनी की, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, कंपनी डिपेंड करती है कि उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी होगी। तो ये हमें क्या देखना है, हिस्टोरिकल और फोरकास्टेड, यानी कि कंपनी के प्रीवियस ईयर्स में पिछले 1, 3 और 5 सालों में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया इन पैरामीटर्स में, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो हम ऐसा फोरकास्ट कर लेते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं या फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि इन फ्यूचर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये
हमारा फाइनेंशियल पैरामीटर भी कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल इक्विटीज फंड। ये इंटरनेशनल इक्विटीज फंड क्या होते हैं, तो देखो दिस इज अ टाइप ऑफ फंड विच इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया। दिस कैन बी अ फंड ऑफ फंड वेयर बाय वी इन्वेस्ट इन वन फंड विच एक्ट एज अ फीडर फंड फॉर सम अदर फंड्स दैट इज द इन्वेस्टर इन अदर म्यूचुअल फंड और इट कैन बी अ फंड विच डायरेक्टली इन्वेस्ट इन ओवरसीज इक्विटीज। दीज मे बी फर्दर डिजाइन एज इंटरनेशनल कमोडिटी सिक्योरिटीज फंड और वर्ल्ड रियल इस्टेट एंड बैंक फंड एक्सेट्रा। तो ये जो इंटरनेशनल इक्विटीज फंड है ना, इसमें हमें बहुत सारे फंड दे रखे हैं। देखो एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार पाँच छ सात आठ और नौ दस। इतने से पैराग्राफ में 10 बार फंड दिया, बताओ। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फंड विच इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया। इंटरनेशनल का मतलब हो जाएगा कि जब हम अपनी कंपनी अपनी कंट्री के अलावा और जो आउटसाइड वाली कंट्रीज हैं उनकी कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट करें, यानी कि अगर हम इंडिया की कंपनीज को छोड़कर जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, अगर हम उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो जो इक्विटी में जब हम इन्वेस्ट करेंगे, वो होंगे हमारे इंटरनेशनल इक्विटीज़। यानी कि हमने अपनी कंट्री की कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने क्या किया, इंटरनेशनली और कंट्रीज़ की कंपनीज़ की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया। तो ये जो फंड होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिया की आउटसाइड वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात हो गई, दिस कैन बी अ फंड ऑफ फंड। यानी कि अब ये फंड ऑफ फंड जो है ना, ये हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोथ स्कीम के बाद फंड ऑफ फंड ही होने वाला है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन फंड्स को हम इंटरनेशनल इक्विटी फंड को हम फंड ऑफ फंड भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको जब फंड ऑफ फंड पढ़ाऊंगी तो समझा दूंगी, बट अभी आप समझ लो कि इंटरनेशनल इक्विटी फंड को हम फंड ऑफ फंड भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इन म्यूचुअल फंड और इट कैन बी अ फंड विच डायरेक्टली इन्वेस्ट। अच्छा देखो, तो ये जो म्यूचुअल फंड में जब हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली जो है हमारे पैसे को ओवरसीज इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। यानी कि इंडिया को छोड़ के बाकी ग्लोबली इंटरनेशनली क्या करता है, हमारे बाकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। सो दीज मे बी फर्दर डिजाइन एज, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, और भी हम इन्हें फर्दरली हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी सिक्योरिटीज फंड, क्योंकि हम ये अपनी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं ओवरसीज इक्विटीज, ओवरसीज कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इंटरनेशनल कमोडिटी सिक्योरिटीज फंड, वर्ल्ड रियल इस्टेट और बैंक फंड भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल इक्विटी फंड भी हो गया। नाम से ही समझ में आ रहा था, जब हम क्या करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की इक्विटीज में इन्वेस्ट करें तो वो इंटरनेशनल इक्विटी फंड होता है। अब अगर हम देखें, हमें दिया है ग्रोथ स्कीम। तो ग्रोथ स्कीम हमने अपनी क्लास 10th में पढ़ रखा है, मेरा पन्ना इतना क्यों उड़ रहा है, पर चलो देखो, ग्रोथ स्कीम हमने अपनी क्लास 10th में भी पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखो समझते हैं, ग्रोथ स्कीम क्या दिया है, अ म्यूचुअल फंड हूज एम इज़ टू अचीव कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपिटल हो अचीव कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड का पूरा पूरा एजेंडा, पूरा पूरा एम ये है कि उसे क्या करना है, इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन रखनी है। पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सो कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक, दे फोकस ऑन कंपनीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ रेदर देन कंपनीज दैट पे आउट डिविडेंड। अ ग्रोथ फंड एम टू प्रोड्यूस कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक, दे फोकस ऑन इंडस्ट्रीज एंड स्पेसिफिक कंपनीज दैट आर इन फेज ऑफ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ रेदर देन हाई डिविडेंड पे आउट। दीज कंपनीज आर इन ग्रोथ फेज एंड हैंस रिक्वायर्ड अ होल्डिंग पीरियड 5 to 10 years, hence a higher risk tolerance is required. The time horizon for return is medium to long term. अभी इतना बड़े पैराग्राफ में क्या दे रखा है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं है। म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड का पूरा एम क्या है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन देना चाहता है, यानी कि वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा क्या है, ग्रो करके, ज़्यादा ग्रो करके देना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो वो ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ग्रोथ स्टॉक में यानी कि अब क्या मतलब है कि अगर हमें अपने पैसे को बढ़ाने की पड़ी है, ऐसा नहीं कि मुझे महीने से महीने अपना पैसा चाहिए ना, मुझे अपना पैसा बढ़ाना है आने वाले सालों में, मुझे अपने पैसे को अप्रिशिएट करना है, कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, अपने पैसे को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करूँगी। ग्रोथ फंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंपनीज़ को ढूंढते हैं जो क्या है, जो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट अर्निंग और रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि
जिन कंपनीज की अर्निंग जो है ना वो ज़्यादा है और वो रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा कर रही हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज नहीं जो डिविडेंड दे रही हैं, क्योंकि डिविडेंड देंगी तो मुझे महीने से महीने मिल जाएगा ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे टाइम लेके मुझे लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, अपना पैसा बढ़ाना है, तो यहाँ मुझे डिविडेंड से कुछ लेना, कुछ खास लेना देना नहीं है, तो मैं डिविडेंड वाली कंपनीज नहीं ढूंढूंगी, मैं वो कंपनीज ढूंढूंगी जो ज़्यादा अर्निंग्स कर रही हैं, अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही हैं, तो ऐसी कंपनीज पर हम फोकस करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम उन कंपनीज पे ध्यान नहीं देते जो हाई डिविडेंड पे कर रही हैं, नहीं हमें हाई डिविडेंड से क्या लेना, हमें तो पैसा बढ़ाना है ना, तो हमें डिविडेंड थोड़ी ना चाहिए, तो हम उन कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये वाली जो कंपनीज होती है ना ग्रोथ स्टॉक वाली, जो मतलब जो कैपिटल एप्रिशिएट करती है, जिनकी हाई रेवेन्यू होती है और अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, तो ये जो कंपनीज होती हैं इनका जो ग्रोथ फेज़ है वो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो हमें मिनिमम मतलब अगर हमें ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो हमें जो हमारा टाइम पीरियड है वो 5 to 10 years का होना चाहिए, यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 5 to 10 years तक अपने जो शेयर्स हैं उन्हें होल्ड करके रखना पड़ता है, ताकि हम एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट को बना सकें। ऐसा नहीं कि बस 10,000 रुपये बढ़ गए तो चलो अब निकाल लेते, ना, अगर आपको लाखों रुपये करोड़ों रुपये बनाना है तो आपको 5 to 10, 10 to 15 years भी वेट करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। सो जितना अगर आप ऐसी कंपनीज में, ग्रोथ स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो भी हाई होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे रिस्क होता है, तो इसलिए आपका रिस्क टॉलरेंस भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और जो टाइम होराइजन है, यानी कि आपकी वेट करने की, प्रतीक्षा करने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मीडियम होगा आपके 5 years और लॉन्ग टर्म हो गया आपके 10 to 15 years, तो आपको 5 to 10 years क्या करना है, यहाँ पे ग्रोथ स्कीम्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, ताकि आप क्या कर सको, ज़्यादा कैपिटल एप्रिशिएट कर सको। अब हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो कि मैं आपको पढ़ के पूरा समझा देती हूँ। तो यहाँ देखो, पीयू म्यूचुअल फंड हैज़ अ ग्रोथ कंपनी, ग्रोथ कंपनीज फंड दैट हैव्स एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट इन कंपनीज स्टॉक विद हाई ग्रोथ रेट्स और अबव एवरेज पोटेंशियल। यानी कि एक पीयू म्यूचुअल फंड है जिसका क्या है, जो ग्रोथ स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करना चाहता है, अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहता है, अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, तो उसे किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे ग्रोथ कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा जिनकी ग्रोथ स्कीम्स मतलब जो पूरा क्या है, वो कैपिटल को अप्रिशिएट करें, वो ग्रोथ कंपनीज में ढूंढेगा क्योंकि उसे ग्रोथ स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, सो द फंड मैनेजर विल फॉलो एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड विल बी फोकसिंग ऑन रैपिड ग्रोथ कंपनीज और सेक्टर्स। द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक विल बी ग्रोथ मेजर्स सच एज एंटरप्राइज वैल्यू, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, फॉरवर्ड प्राइस, सेल्स एंड डिस्काउंट, EPS। द प्राइमरी फोकस विल बी टू आइडेंटिफाई हाई ग्रोथ कंपनीज स्पेशली इन सेक्टर विटनेस अबव एवरेज ग्रोथ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच will be employed. The switch between companies and sector to be identified based on relative valuation, liquidity and growth potential. तो इस पूरे पैराग्राफ में ये जो एग्जाम्पल, इसमें क्या समझाया है कि एक पीयू म्यूचुअल फंड है जो क्या करता है, ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ग्रोथ कंपनीज मतलब वो ग्रोथ स्कीम की बात कर रहा है। तो अब जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फंड मैनेजर हमारे पैसे को हैंडल करेगा, फंड मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, फंड मैनेजर ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो ऐसी कंपनीज को ढूंढेगा जिनकी जो ग्रोथ रेट है ना वो रैपिड है, यानी कि ग्रोथ क्या कर रही है, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रही है, जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है। तो जो कंपनी ज़्यादा ग्रो होंगी, ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगी, वही क्या हो जाएंगी, हमारी ग्रोथ कंपनीज हो जाएंगी। तो अब जो फंड मैनेजर है वो ऐसी कंपनीज को मार्केट में फाउंड करना या फिर उन पर फोकस करना स्टार्ट करेगा। अब ऐसी कंपनीज हमें मिलेंगी कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि उसमें से हमें स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अब हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि जैसे हमने फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखे थे ना अपने, EPS, PE रेशो, EBITDA, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमें एंटरप्राइज वैल्यू देखनी है और यहाँ पे EBITDA को देखना है, अर्निंग यानी कि जो कंपनी है उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि जो कंपनी है वो टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इन सबको पे करने से पहले कितना कमा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके प्राइस ऑफ सेल मतलब उसकी प्राइस, कंपनी के फॉरवर्ड प्राइस और सेल और डिस्काउंट कितना है, कंपनी का EPS क्या है, वो एक शेयर पे कितना रुपए कमा रही है, तो ये सारी चीज़ें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है या फिर बस ऐसी ही कंपनी है या फिर बेकार कंपनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेकआउट करके पता करते हैं कि कंपनी ग्रोथ कंपनी है या नहीं। तो इस तरह से फंड मैनेजर को अगर एक कंपनी मिल जाती है तो वो उसमें क्या करता है, हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट
उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही हम ऐसे ग्रोथ कंपनी को ढूंढ लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा था जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर दे रखा है ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ, उसके बाद हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें दे रखा है कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो ये तो हमने पहले भी पढ़ी रखा है, ग्रोथ स्कीम तो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ग्रोथ फंड और ग्रोथ इन्वेस्टिंग हमारी सेम सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी हमने पढ़ी रखा है क्लास टेंथ में, और अभी भी पढ़ा हमने थर्ड या सेकंड चैप्टर में, आई थिंक हमने ग्रोथ और वैल्यू पढ़ा था, हाँ सेकंड में ही पढ़ा था। तो मैं आपको देखो बता देती हूँ इसमें क्या रखा है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रोथ बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो दो तरह पे, दो बेसिस पे क्लासिफाई करी गई है, ब्रॉडली क्या करी है, दो तरह से क्लासिफाई करी है, एक होती है ग्रोथ बेस्ड, एक होती है वैल्यू बेस्ड। ग्रोथ बेस में क्या होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें और हमें कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा हो। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि हम कंपनी की वैल्यू के मतलब कंपनी अभी तो है अंडर वैल्यू, यानी कि कंपनी की अभी जो असली कीमत है वो लोग नहीं जानते, बट इन फ्यूचर लोगों को कंपनी की असली कीमत पता चलेगी। और फिर जो है हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे आज से 40 साल पहले जो विप्रो थी उसकी कीमत किसको पता थी, है ना, विप्रो लोगों को बस ऐसी लगती थी कि बस ऐसी सी कंपनी है, बस ज़्यादा कुछ खास कंपनी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। लेकिन आज के टाइम पे विप्रो जो है वो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, जिसके स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है वो। तो ऐसा ही है कि चलो मैं आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा मगजमारी करके बकवास करके क्या फ़ायदा, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो, व्हाइल ग्रोथ इन्वेस्टिंग रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच इन बेस्ड अपॉन प्रीमाइज दैट अ स्टॉक सेक्टर इज सर्टेनली अंडर वैल्यूड एंड मार्केट विल एवेल्युएट इवेंचुअली रियलाइज इट्स ट्रू वैल्यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को लोग रेफर करते हैं कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका ग्रोथ करने का, जिसका ग्रो होने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, कि उस कंपनी में लोगों को विश्वास है कि ये इन फ्यूचर ग्रो हो जाएगी, तो वो होती है ग्रोथ कंपनीज या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि जिसमें एक ऐसा सेक्टर या फिर एक ऐसी कंपनी का स्टॉक जिसमें लोग अभी क्या है उसे अंडर वैल्यू मानते हैं, अभी लोगों को लगता है कि वो कुछ खास कंपनी नहीं है, अपने फ्यूचर में कुछ खास नहीं उखाड़ पाएगी, बट धीरे धीरे क्या होता है इवेंचुअली लोगों को रियलाइज़ होता है कि उस कंपनी की जो ट्रू वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आज से मतलब आज गुची का एक बहुत बड़ा नाम है, गुची एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ब्रांडेड कपड़ों की, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ब्रांडेड क्या है, एक ब्रांड है ना, लोगों को हर एक को पता है कि गुची क्या है, और उसका बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन जब गुची स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही बैंकक्रप्ट हो गया था। तो आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो बैंकक्रप्ट हो? नहीं ना, कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो उस टाइम पे जो गुची थी उसकी वैल्यू क्या थी? अंडर वैल्यू थी। बट देखो धीरे धीरे इवेंचुअली क्या हुआ, लोगों को उसकी ट्रू वैल्यू, लेकिन आज लोगों को गुची की ट्रू वैल्यू क्या है, रियलाइज हो चुकी है। तो यही हमारा ग्रोथ वैल्यू और वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बट और भी दे रखा है तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो देखो, सो अ वैल्यू इन्वेस्टर विल बाय स्टॉक्स। तो देखो वही बता रखा है, मैं आपको सीधा बताती हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी के स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक को खरीदते हैं जिनका आज जो प्राइस है वो तो भले ही कम है, लेकिन उन्हें पता होता है इन फ्यूचर जो है इसका प्राइस बढ़ेगा, और लोग जो इसे अंडर वैल्यूड समझ रहे हैं ना, इस कंपनी को अंडर वैल्यू समझ रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी को हम आज इसका फायदा उठा लेते हैं क्योंकि लोग इसे अंडर वैल्यू समझ रहे हैं, बट इन फ्यूचर क्या होगा, हमें ही फायदा होने वाला है। तो वो ग्रोथ वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है? इट इज द ग्रोथ मोमेंटम दैट द इन्वेस्टर्स लुक फॉर वेयर इन। अच्छा देखो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग ग्रोथ मोमेंटम के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी। तो हम ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जो ग्रो करेगी, जो सबको दिख रही है कि ग्रो करेगी, तो वो ग्रो इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिसका आज का जो करंट मार्केट प्राइस है भले ही वो कम है, लेकिन उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो लोगों को इवेंचुअली क्या हो जाती है, रियलाइज हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पे दिया कॉन्ट्रा फंड। तो कॉन्ट्रा फंड कैन बी सेट टू बी फॉलोइंग एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। बस यहीं पे बात खत्म हो गई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कॉन्ट्रा फंड क्या है? कॉन्ट्रा फंड को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग भी अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि हम कॉन्ट्रा फंड्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड्स भी बोल सकते हैं। तो अब वैल्यू इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रा फंड्स सेम हो चुके हैं, तो यानी कि कॉन्ट्रा फंड भी वैसे ही होंगे जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल वेन इंटरेस्ट रेट राइज पीपल डिफर देयर परचेज एट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब नेक्स्ट पे जो है वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाती हूँ। इंक्रीजेज दिस अफेक्ट्स बैंक, हाउसिंग एंड ऑटो सेक्टर एंड द स्टॉक ऑफ दीज कंपनीज कम डाउन।
वैल्यू फंड मैनेजर विल ओपिन दैट एज एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट कम डाउन दीज स्टॉक्स विल गो अप अगेन हेंस ही विल बाय स्टॉक्स टुडे व्हेन नोबडी वांट्स टू ओन देम दस ही विल बी टेकिंग अ कॉन्ट्रेरियन कॉल दिस रिस्क इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज दैट इफ ग्रोथ मोमेंटम ऑफ कंपनी गोज डाउन स्लाइटली देन द स्टॉक प्राइस कैन गो डाउन रेदर फास्ट वाइल इन वैल्यू इन्वेस्टिंग द रिस्क इज दैट द इन्वेस्टर्स मे हैव टू वेट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम बिफोर द मार्केट वैल्यूज द इन्वेस्टमेंट करेक्टली. यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखा है कि जैसे कॉन्ट्रा फंड जो है वो क्या हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग से हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं. तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें समझ में आ चुका है, एक ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसकी आज जो करंट वैल्यू है वो क्या है, अंडर वैल्यू है, यानी कि कंपनी की कीमत आज किसी को नहीं पता है. लोग सोचते हैं कि वो बस ऐसी सी कंपनी है, लेकिन इन फ्यूचर क्या करेगी, उसकी जो ट्रू वैल्यू है कंपनी की वो लोगों को समझ में आ जाएगी और जो कंपनी है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी. बट इन ग्रोथ फंड क्या होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग एक ऐसी कंपनी की तलाश में होते हैं जिसकी ग्रोथ मोमेंटम क्या हो, अच्छी हो, जिसकी आज से ही ग्रोथ मोमेंटम लोगों को पता हो कि ये आज अच्छी है और इन फ्यूचर और अच्छा करने वाली है. तो वो आती है हमारी ग्रोथ इन्वेस्टिंग फंड्स में, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में. तो लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि अगर ग्रोथ फंड जो कंपनीज हैं जो हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, बट इन फ्यूचर अगर क्या होता है उस कंपनी में डाउन आता है, मतलब कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कंपनी डाउन जाती है, तो उसके जो स्टॉक का प्राइस है ना वो उससे भी ज़्यादा जल्दी नीचे जाता है. अगर एक कंपनी सही से परफॉर्म नहीं करती और उस वो थोड़ी सी भी डाउन होती है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये कंपनी ख़त्म होने वाली है और उसके स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाते हैं, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है. तो यहाँ पे हमारा एक रिस्क फैक्टर है कि हमें नहीं पक्का पता कि वो इन फ्यूचर ग्रोथ कंपनी जो है, जो ग्रोथ मोमेंटम जिस हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, वो उतना ही अच्छे परफॉर्म करेगी जितना हम सोच रहे हैं या फिर वो पीछे रह जाएगी. तो अगर वो पीछे रह जाती है तो उसके जो स्टॉक प्राइस है वो और ज़्यादा जल्दी नीचे आते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है. और वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी एक यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी आज किसी को कीमत नहीं पता, आज कीमत नहीं पता बट फ्यूचर में पता होगी. बट इन फ्यूचर कितने सालों में लोगों को उसकी कीमत पता चलेगी वो हमें नहीं पता, भले ही एक साल में ना पता चले, दो साल में पता ना चले, चार साल में पता ना चले, तो कितना टाइम लग सकता है, वो कितना लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, वो यहाँ पे हमें पक्का किसी ने भी डिफाइन नहीं करके दे रखा है. तो इसलिए यहाँ पे इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है. आगे हमें दिया है LS, तो इसे भी हम देख रहे हैं. तो देखो ELESS, इसकी एक फुल फॉर्म होती है, देखो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स. तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का मतलब है जब हम इक्विटी स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वेयर इन्वेस्टर गेट टैक्स बेनिफिट अप टू ₹1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. दीज आर ओपन एंडेड स्कीम बट हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years. These schemes serves the dual purpose of equity investing as well as tax planning for the investors. However, it must be noticed that investors cannot under any circumstances get their money back before 3 years from the date of investment. Yani ki jo hamari equity linked saving schemes hain LS, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी इक्विटी स्कीम है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनीज़ की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. अगर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 lakh का. यानी कि अगर हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1.5 lakh का. लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे वेरी करते हैं, जैसे कि ये एक ओपन एंडेड स्कीम्स है. अब हमने पढ़ा था कि ओपन एंडेड स्कीम्स में हम कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी उन्हें सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं. लेकिन जो हमारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो शुरुआत के 3 साल के लिए हमारा पैसा क्या होता है, वो लॉक हो जाता है. यानी कि अगर मैंने आज 2022 में इन्वेस्ट करा तो शुरुआत के 3 साल उसके लिए मेरा जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, वो इस इक्विटी स्कीम में लॉक हो जाएगा. यानी कि आने वाले जो 3 साल है उनमें मैं क्या कर पाऊंगी, अपना पैसा नहीं निकाल पाऊंगी, भले ही
यहाँ पे एक इन्होंने नोट करने के लिए बोला है, पहले ही इन्वेस्टर्स की कोई भी सरकमटेंसेज हो, कोई भी सिचुएशन हो, इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए ही चाहिए, फिर भी शुरुआत के 3 साल इन्वेस्टर पैसा नहीं ले सकता, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, है ना। तो 3 साल के लिए हमारा पैसा लॉक हो जाता है, भले ही ये ओपन एंडेड स्कीम है, बट यहाँ पे अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक 1.5 लाख का बेनिफिट चाहते हो, टैक्स बेनिफिट, तो आपको 3 साल के लिए अपना पैसा लॉक करना ही पड़ता है, भले ही ये ओपन एंड स्कीम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस स्कीम का डुअल पर्पस है। पहला क्या है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल एज टैक्स प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, यानी कि एक तो इनकी इक्विटी इन्वेस्टिंग हो गई और दूसरा टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स प्लानिंग यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब देख लेते हैं हम अपना फंड ऑफ फंड, आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट में आपको अच्छे से शो कर देती हूँ, ठीक है। फंड ऑफ फंड अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्या दिया है, दीज फंड आर, एक मिनट, दीज आर फंड्स विच डू नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड शेयर बट इन्वेस्ट इन यूनिट ऑफ अदर म्यूचुअल फंड विच इन देयर ओपिनियन विल परफॉर्म वेल एंड गिव हाई रिटर्न्स। ऑलमोस्ट ऑल म्यूचुअल फंड ऑफर फंड ऑफ फंड स्कीम। अच्छा देखो, यहीं तक है हमारा फंड ऑफ फंड स्कीम। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर है ना, ये हम कल अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। आज क्या करते हैं, आज हम फंड ऑफ फंड तक ही अपना एंड कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सब कुछ एक ही वीडियो में घचड़ पचड़ करके समझ लो। तो देखो, दीज फंड्स यानी कि फंड ऑफ फंड की बात हो रही है, FOF भी बोलते हैं हम इसे। तो फंड ऑफ फंड क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे फंड होते हैं जो ना तो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है, आपने म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दिया, अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका ही पैसा, आपका और लोगों का पैसा लेके क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, आपका पैसा लेके स्टॉक्स खरीदता है, शेयर खरीदता है। लेकिन फंड ऑफ फंड क्या है, फंड ऑफ फंड ऐसा नहीं है। फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, अब जो अगर आपने फंड ऑफ फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो फंड ऑफ फंड में क्या होगा, आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, और देखो कहाँ अंदर का, बट इन्वेस्ट इन यूनिट अदर म्यूचुअल फंड विल, अच्छा देखो क्या अंदर का, परफॉर्म एज वेल हाई रिटर्न। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखा नहीं है, बट देखो अगर आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये क्या करेंगे, ये आपका पैसा लेके अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये ना तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड ऑफ फंड क्या होता है, फंड आपने दिया, अभी आप ही का फंड क्या करेंगे, आपका फंड अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देंगे। स्कीम्स क्या होती हैं, जो जैसे म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम निकालता है, तो इन्होंने क्या किया, आपसे पैसा लिया और आपसे पैसा लेके अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, इन्होंने शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर ये अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे रिस्क कम होता है, क्योंकि हमने स्टॉक्स और शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये प्रोफेशनली क्या हो रहा है, प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग क्या कर रहे हैं, आपका पैसा अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब स्कीम्स से भी हमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है और हाई रिटर्न हमें प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे यही है कि फंड ऑफ फंड का क्या मोटिव है, कि वो स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता, वो आपके पैसे को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। अब जो म्यूचुअल फंड है ना, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे ही म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, फंड ऑफ फंड की स्कीम को ऑफर करते हैं, यानी कि आप हर एक जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टर्स के पास जो म्यूचुअल फंड है वो ऑप्शन देता है, और म्यूचुअल फंड के पास मतलब म्यूचुअल फंड ऑफर करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर वो चाहें तो फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो फंड ऑफ फंड का मतलब है कि आपका पैसा ना तो शेयर मार्केट में लग रहा है, ना ही डेब्ट मार्केट में लग रहा है, ना तो आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, ना शेयर खरीद रहे हो, आप अलग अलग क्या कर रहे हो, अलग अलग स्कीम्स में जब इन्वेस्ट करते हो, तो वो हमारा फंड ऑफ फंड हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।